चैप्टर 3 देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू गिम्प। गिम्प के बारे में जानेंगे आज। बहुत सारे आपके फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि जो बेसिक है अगर विंडोज यूजर है तो पेंट है, ऐसी और भी है, ड्राइंग ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी। हम यहां पर गिम्प सॉफ्टवेयर लेंगे। उसका कारण यह है कि बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। दूसरा, यह फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है। फ्री मतलब ये आपको इसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि इसका जो कोड है, कोड वो आपको अवेलेबल है, यानी एज अ प्रोग्रामर अगर आप चाहें तो इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। इमेज एडिटिंग टूल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई इमेज है, जैसे आपने कैमरा से इमेज खींची, सैटेलाइट से कोई इमेज आई, तो वो डिजिटल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कोई पुराने एनालॉग फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, कोई इलस्ट्रेशंस हो सकता है। तो पहले ट्रेडिशनली जो इमेज एडिटिंग होती थी, ये इमेज प्रोसेसिंग होती थी, उसको हम कहते थे फोटो रीटचिंग। उसमें हम एयर ब्रश यूज करते थे ताकि फोटोग्राफ को मॉडिफाई कर सके, और जैसे इलस्ट्रेशन होते थे कोई चीज दिखाने के लिए, कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट मीडियम उसमें यूज होता था। आज भी कई लोग करते हैं इसको, लेकिन क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, किस तरीके से हम आज इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स का यूज करें, तो दो बेसिक तरीके हैं इमेज को हम कैसे एडजस्ट करें। एक तो पिक्सल एडिटिंग है, ये हम जाते हैं पिक्सल लेवल पे। जैसे कोई स्क्रीन होती है, वो अलग अलग डॉट आप देखते होंगे बहुत करीब जाएं तो, ऐसी जो इमेज होती है ना उसमें पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल का मतलब होता है, पिक्सल को हम ले तो ये होता है पिक्चर एलिमेंट से बना है ये पिक्सल। एक पिक्सल मतलब एक डब्बा समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे डब्बे रो और कॉलम में हैं और उसमें हर एक डब्बे में आपको कुछ दिखता है, वो कंबाइंड वे में आपको एक इमेज दिखती है। तो पिक्सल लेवल पे आप जाते हैं और यहां पर ओरिजिनल इमेज को आप चेंज करते हैं। एक है आपका पैरामेट्रिक इमेज एडिटिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, ताकि जो इमेज है उसका परसेप्शन या अपीयरेंस चेंज किया जा सके, हम ओरिजिनल इमेज डेटा को नहीं चेंज करते। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, पिक्सल एडिटिंग और इसमें पैरामेट्रिक इमेज एडिटिंग में? पिक्सल में हम एक्चुअल पिक्सल पे जाके ओरिजिनल इमेज को चेंज कर रहे हैं, जबकि यहां पर हम इमेज डेटा, जो मेन इमेज डेटा है, उसको चेंज नहीं कर रहे। तो बहुत सारे हमारे पास इमेज एडिटिंग टूल्स हैं, जैसे गिम्प। गिम्प से स्टार्ट करते हैं, गिम्प से हम देख रहे हैं। ये है GNU, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसका मतलब है GNU, आई से है इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। अब GNU क्या है, ये अपने में अलग एक कॉन्सेप्ट है। आप समझ लीजिए कि ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमको बहुत सारी फ्री चीजें मिलती हैं, फ्री ओपन सोर्स बनाते हैं। तो ये फ्री और पावरफुल बड़ा ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर या टूल है। इसमें आप फोटो का रिटच भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें एल्गोरिथम्स हैं, वैल्यूज हैं और ऑप्शंस हैं जो हम अभी देखेंगे। ऐसे फास्ट और इमेज व्यूअर है, ये इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है जिसमें आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज को ब्राउज कर सकते हैं, इमेज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। जितने भी मेजर फॉर्मेट में है इसमें दिए गए हैं, इसको आप ये डील करता है इमेज व्यूअर। इसके अलावा ईमेल फैसिलिटी भी दी हुई है इसमें, बहुत सारे ट्रांजिशनल इफेक्ट हैं इसमें, मैग्निफिकेशन बड़ा हाई क्वालिटी है, स्कैनिंग फैसिलिटी है और एनोटेशन। इमेज के ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं, वो मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं। फास्ट और इमेज व्यूअर ऐसे बहुत सारे हैं, ये कुछ का नाम हमने दिया है, ऐसा नहीं कि यही सब है। सेरिफ फोटो प्लस X4, अगर आप देखेंगे आजकल आपके मोबाइल में जैसे आप इमेज खींचते हैं, चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो मोबाइल में, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे और कोई हो, तो उसमें अपने आप इमेज एडिटिंग देता है। तो वो बेसिक इमेज एडिटिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग होती है। जैसे सेरिफ फोटो प्लस X4, ये बड़ा, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं इमेज एडिटिंग के, और ये बड़ा यूजर फ्रेंडली है। जैसे फोटो ऑर्गेनाइजर है इसमें, स्क्रैप बुकिंग है, ग्रीटिंग कार्ड्स है, वेब गैलरीज है, तो ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। फोटो इम्प्रेशन है, ये अलग अलग इसके वर्जन्स आते हैं। इसमें भी इमेज एडिटिंग फैसिलिटी है, बड़ा ये भी बड़ा आसान है, और ये आपके फोटोज़ को बड़ा आसानी से ऑर्गेनाइज कर देता है और बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं आप इसमें। ऐसे फोटो स्टूडियो है, इसमें क्या है कि आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, वो भी एनिमेटेड, वो भी मूव करता हुआ। एक स्टैम्पिंग फैसिलिटी है, और जो हाई बिट डेप्थ इमेजेस है उन पे ये काम कर सकते हैं आप अलग अलग लेयर्स बना के काम कर सकते हैं। जैसे हम
इमेज एडिटिंग पर्पस के लिए अलग अलग लेयर बना दें, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसको कंबाइन कर दें। जो रॉ फोटोज हैं उसको बड़े आसानी से बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, और बहुत इसके लिए नेविगेशन बड़ा आसान है एक्चुअली। पिकासा ये बहुत लोग यूज करते हैं, वो बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो इसमें एक बिल्ट इन एडिटर है जो इतना स्ट्रांग है कि जो नए यूजर्स हैं, जैसे आप और मेरे जैसे कोई नए यूजर्स हों, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, तो बेसिक कलर करेक्शन हो, क्रॉपिंग हो, काटना पीटना हो, या और भी बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट इसमें दिए हैं, और बहुत शानदार इसमें चीजें निकल के आती हैं। ये पिकासा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जो हमने पहले देखे ना गिम्प वगैरह की तरह बहुत डिटेल एडिटिंग नहीं है इसमें, लेकिन आपका छोटा काम, बेसिक काम जो आप इमेज में करना चाहते हैं वो सब इसमें अवेलेबल है। और बहुत जितने भी आप डिजिटल कैमरास देख रहे हैं उसमें पिकासा आपको जरूर मिलेगा। paint.net है, एक paint.net इंटरफेस है, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा कि सब में अपनी अपनी नई नई चीजें हैं, अलग अलग चीजें जिसके कारण लोग यूज करते हैं, जैसे कर्व शेप है, स्नैप मेकिंग है, विंडोज यूजर बड़े इसको यूज करते हैं, बहुत पावरफुल इमेज एडिटर है ये। ऐसे फोटो ये एक्सक्लेमेशन मार्क एडिटर है, ये भी एक मल्टी फंक्शन सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या है कि बहुत सारे आपको इमेज एडिटिंग टूल इसमें अवेलेबल है। जो भी एक डिजिटल कैमरा रखता है वो अपने इमेज को अगर बाई चांस उससे गलत खींच गई है, क्योंकि वो मौका तो दोबारा नहीं आएगा ना, एक बार इमेज खींच लिया आपने उसके बाद तो मौका दोबारा नहीं आएगा, वो बाद में ही आप आएगा, उस चीज को आप दोबारा रिग्रेट नहीं कर सकते। तो उस वो जो इमेज गड़बड़ हो गई उसको ठीक करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है, बड़ा कन्वीनियंस है इसमें और प्रोफेशनल टच भी देता है। इंक स्पेस है, ये भी ओपन सोर्स इमेजिंग एडिटिंग टूल है, इसमें भी बहुत सारे पावरफुल टूल्स है। एडोब फोटोशॉप ये सबसे जिसे कहेंगे ना कि टॉप पे है, एडोब फोटोशॉप जो है बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसको एक बार सीख गए तो आप मास्टर हो जाएंगे इमेज के बारे में। इंक स्पेस है, ये इसका ऑल्टरनेटिव है बेसिकली, वेक्टर बेस्ड कंट्रोल है जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में आप देखते हैं, और इसमें नोड एडिटिंग है, बिटमैप ट्रेसिंग है, डायरेक्टली आप एक्सएमएल को एडिट कर सकते हैं, अल्फा ब्लेंडिंग है, अल्फा जो उसके लिए होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो ये भी अपना एक अपने आप में एक वजूद रखता है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये। ऐसी आपका कोरेल पेंट शॉप फोटो प्रो X3, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, जब आप ये देख रहे होंगे हो सकता है इसका कोई और वर्जन हो अवेलेबल, तो आप ये जान लीजिए कि बेसिक क्या चीज़ है ये। आपकी इमेजेस को एडजस्टमेंट करना है, टेढ़ी हो गई है, क्लीनअप करना है, इसमें एक इंटीग्रेटेड फोटो ऑर्गेनाइजर है और बहुत अच्छे टूल है इसमें, एनहांसमेंट टूल्स है इसमें। ध्यान रखिएगा कि जो कोरेल का इंटरफेस है बड़ा स्मूथ होता है, कोरेल ड्रॉ वगैरह आपने देखा होगा, और इसके कारण से आप फोटोज को आराम से एडिट और ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिक टूल्स जो भी ये टूल्स हैं, बेसिक इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक जो चीजें वो तो होंगी होंगी। गिम्प, गिम्प क्या है? गिम्प जैसे हमने कहा, गिम्प है जीएनयू के लिए, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है, ये इमेज एडिटिंग टूल है, फ्री है, ओपन सोर्स है। आप फोटोज को रीटच कर सकते हैं जैसे वाई है, फोटो की ऑथराइजेशन बन जाती है जिसने बनाया है, फोटो का कंपोजिशन हो सकता है। इसमें फोटोशॉप जैसे बहुत सारे, क्योंकि फोटोशॉप ओन्ड है, ऐसे ही आपके पास फोटोशॉप के जैसा एक एनवायरनमेंट मिलता है आपको, क्योंकि फोटोशॉप भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स है तो इसमें चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाती हैं और चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसमें बढ़ती रहती हैं। आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इमेज को कंपोज कर सकते हैं, उसको ऑथराइज कर सकते हैं। ये है गिम्प का इंटरफेस, ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अगर आप केवल विंडोज में नहीं, आप लिनक्स में चलाना चाहें तो वहां भी चलेगा। तो जो भी जीएनयू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको गिम्प मिलेगा, उसमें गिम्प ऑलरेडी एम्बेडेड आता है, उसमें इंटीग्रेटेड है। चाहे विंडोज की बात करें, एप्पल की बात करें, मैकओएस की, आपको डार्विन और भी आ गए हैं, तो इसमें सब में आपको मिलेगा ये। तो फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, और क्योंकि ये फ्री है तो किसी न किसी लाइसेंस के तहत होगा, तो ये जीपीएल लाइसेंस के तहत है, जीपीएल है जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसके थ्रू है ये। तो जीपीएल आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है
फ्रीडम देता है, बेसिकली आपको स्वतंत्रता देता है कि इसको एक्सेस करिए, और इसके सोर्स कोड क्योंकि अवेलेबल है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो गिम्प मैं पहले आपको दिखा दूं गिम्प के बारे में, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। पहले तो गिम्प आपको बस गूगल पे लिखिए, जो भी पहली लिंक आई जो आपको लगे गिम्प के ORG से है उसको लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, और फिर वो जब इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये गिम्प है, गिम्प के अलग अलग वर्जन है, जब ये जैसे मैं अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गिम्प 2 है, आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो गिम्प है इस तरीके से स्टार्ट होता है, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है और फ्रीली है, तो इसमें ज़्यादा आपको इसको ढूंढने में और इसको इंस्टॉल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये गिम्प आता है, देखिएगा ये आपका इंटरफेस आ गया इसका। तो पहले ये खाली आता है, साथ में ये आपके टूल बार अपने आप इधर पे आता है, और ये जो विंडोज़ है ना अलग अलग, ये आपको टूल बॉक्स जैसे आ रहा है, अगर आपके पास ये नहीं आता तो आप इसके साथ इसके तहत ला सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए फाइल एडिट, इसके अंदर सब अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इमेज आप यहाँ पर ले आएंगे तो आप देखेंगे उसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं इसमें। फिल्टर्स में कहूँगा जो इमेज प्रोसेसिंग वाले हैं, जो हाई एंड इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। मतलब केवल आप बेसिक इमेज एडिटिंग नहीं करते हैं इसमें, इसमें बहुत एडवांस चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस। तो ये है गिम्प आपका। अब जाते हैं अपने डिस्कशन पे। जो फीचर है गिम्प के, इसको आप एज अ सिंपल पेंट प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी एडवांस में जाएं। और अगर आप एक्सपर्ट क्वालिटी फोटो रिटचिंग देना चाहते हैं तो एडवांस जो करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो दोनों के लिए, दोनों चाहे बेसिक यूज़र हो एडवांस यूज़र हो, दोनों के लिए है। इसमें ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी एक साथ कई इमेजेस एक ही काम, जैसे आपने काम सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, ये पहले मुझे उसको कंट्रास्ट बढ़ाना है, फिर उसका मुझे ब्राइटनेस कम करना है, फिर मुझे उसमें लो पास फिल्टर लगाना है, तीनों चीज़ें हमने डिसाइड कर ली और उसमें हमारे पास 100 इमेज है वो हमने डाल दी, तो 100 के 100 इमेज में वो हो जाएगा। एक मास प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा मास प्रोडक्शन, एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इमेजेस को एक साथ निकाल सकते हैं, इमेज रेंडरिंग है इसमें। इसमें एक स्क्रिप्टिंग इंटरफेस भी है। अब स्क्रिप्टिंग मतलब यह है कि आप खुद चीजें कर सकते हैं, आप खुद स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो छोटा काम करना चाहते हैं, थोड़ी छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स इमेज मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जैसे आप डायलेशन करना चाहते हैं या इस तरीके की चीज जो थोड़ी सी हाई एंड है आपकी इमेज प्रोसेसिंग, जो जानते हैं उनको आइडिया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अभी आपके लिए बेसिक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इमेजेस जो है ना अलग 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 कंपनी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग उसके फॉर्मेट्स है, अब इनके बीच में आदान प्रदान या एक्सचेंज होना चाहिए, वो चीज़ भी इसमें पॉसिबिलिटी है। एनिमेशन आप लोड और सेव कर सकते हैं, और इसमें लेयर फॉर्मेट में भी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे हम खासतौर पर जो फोटोशॉप वगैरह में करते हैं लेयरिंग, अलग अलग इमेज के लेयर बना देते हैं, एक पे हमने कुछ और किया, एक पे हमने कुछ और किया, फिर कंबाइन भी कर सकते हैं उसको। अनलिमिटेड इमेज आप ओपन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है वर्चुअली, वो तो आपके रैम पे डिपेंड करेगा, आपके कैश पे डिपेंड करेगा, लेकिन अनलिमिटेड इमेज है, वर्चुअली अनलिमिटेड इमेज है, इसमें कोई रोक नहीं है। गिम्प चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले, लिनक्स मैक ओएस हो आपके पास, चाहे आप विंडोज यूजर है, सब पे काम कर रहा है। ये आपको उबुंटू, ये लिनक्स का एक प्रारूप है, उसमें आपको मिलता है, और गूगल प्ले स्टोर में, मतलब एंड्रॉयड पर अगर आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इसकी अवेलेबिलिटी बहुत वाइड स्प्रेड है। तो डाउनलोड कैसे करेंगे गिम्प को, जैसे मैंने आपसे कहा कि डाउनलोड आपको करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, एक ब्राउज़र खोलता हूँ पहले, और आप देखिएगा कि मैं इसमें, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, ठीक। अब इसको मैं केवल यहां पर अगर गिम्प टाइप कर दूं, गिम्प, तो मैं करता हूं गिम्प, देखिए गिम्प डाउनलोड, बस इतना ही कर दिया। अब फॉर डाउनलोड्स करना, गिम्प का डाउनलोड करिए, अगर विंडोज के लिए करना चाहिए फॉर विंडोज कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, फॉर मैक, लेकिन आप देखिए जब गिम्प आएगा तो अपने आप वो बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो गिम्प डाउनलोड करने पर जो पहली लिंक आई, इसी को मैं खोल देता हूं, ये भी दूसरी भी इसी की है, क्योंकि दोनों gimp.org से है। इसकी वेबसाइट है www.gimp.org डाउनलोड्स। अब इसमें क्या है कि अलग अलग वर्जन है, जैसे करंट स्टेबल वर्जन बताया गया है, गिम विंडोज में आप ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं, डायरेक्टली आप ले सकते हैं, और ये अलग अलग चीज़ें हैं, देखिए अलग अलग आपके पास है, कुछ अगर पर्टिकुलर
हेल्प में जाना चाहते हैं आप, तो अलग अलग हेल्प भी दी हुई है किसी अलग अलग भाषा में। फिर ये सोर्स है वर्जन 2.1, अलग अलग वर्जन होते हैं, तो जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ वर्जन है, कुछ आप जब देखेंगे कुछ और वर्जन होंगे, तो ये सब चीजें इसमें दी हुई है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे ऊपर जाना है और यहाँ पर जो आपको सही लगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप डायरेक्ट डाउनलोड हेयर भी कर सकते हैं, तो ऐसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको www.gim.org में जाइए, डाउनलोड बटन करिए, ये जो इंटरफेस दिख रहा है हो सकता है जब आप देख रहे हो तो बदल गया हो, बस डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड गिम करेंगे तो ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड होने लगेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए इसके लिए। डाउनलोड स्टार्ट हो गया आपका, इस तरीके से डाउनलोड स्टार्ट होगा। अभी जैसे यह 2.8.4 है, अभी मैंने आपको बताया 2.1 जो वर्जन है हमारा, इस तरीके से 2.10 वर्जन है, तो ये अलग अलग वर्जन है। आप हो सकता है आप जब कर रहे हो कुछ और वर्जन हो, ये 100 MB तक के करीब होगा, मतलब 100 MB के नीचे नीचे है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इतना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है फिर भी इसका साइज बहुत हल्का साइज है, इसका बहुत लाइट वेट है। अब गिम्प में बहुत सारे फाइल फॉर्मेट सपोर्ट होते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहां से बताऊं तो यहां पर आप देखिए, जैसे आप ये सेव करेंगे ना या सेव एज करेंगे, तो जैसे ही मैं एक काम करता हूं कि आपको एक इमेज दिखाता हूं, एक पिक्चर इसमें डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज आती है। अभी पिक्चर आ गई ना, तो देखिए मैं इसको करना चाहता हूं यहां पर, जैसे मैं सेव एज करूं इसको, तो अब मेरे पास ये जितने भी, जैसे .xf है, अब मैं यहां पर आऊं तो मेरे पास ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो एक दो ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूं, अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहूं, तो अब देखिए इसको कितने सारे देखिए, यहां से यहां तक मैं इसको अगर मैं देखूं या आपको दिखाना चाहूं, तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, देखिए कितने सारे ऑप्शन है। ये कुछ है कुछ, यहां पर आप बस एक्सटेंशन चेंज करिए और यहां पर आप सारे के सारे देख सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन है आपके पास, और ये पूरे के पूरे यहां से यहां तक है, देखिएगा ये पूरे। तो जो भी आप देना चाहें वो आप यहां पर ऑल एक्सपोर्टेड इमेज में जाके देख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मुझे तो ये इसमें चाहिए, मान लीजिए किसी GBR में चाहिए, तो GBR में चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे मुझे नहीं और किसी में चाहिए, तो आप उसमें चले जाइए, इसमें ऐसे आइकन में चेंज हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन है, बहुत सारे इसके डीलिंग है। तो टिफ जैसे है, ये कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जैसे आप देखें टिफ है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है आपका, XWD, एक्स विंडो सिस्टम है, JPEG है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक्स पिक्समैप है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, पोर्टेबल पिक्समैप है, BMP है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सचेंज है, ये कुछ है, बहुत सारे ऐसे। तो GMP के कंपैटिबल प्लेटफॉर्म अगर आप देखें तो लिनक्स है, विंडोज है, MacOS है, सोलारिस है, FreeBSD, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब में आपको ये चलेगा। तो गेम को स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टार्ट कर चुका हूं मैं, लेकिन जो शुरुआत करेंगे, जो रिलीज हुआ था ये जनरल इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, स्पेंसर किम्बल और पीटर मैटिस, ये 1995 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, इसका एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में, तो इस तरीके से ये शुरुआत हुई थी इसकी। और आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इस तरीके से जाइए यहाँ पर स्टार्ट में, यहाँ पर गिम टाइप करिए, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल हो गया है तो आपको डायरेक्ट दिखाई देगा ये, तो यहाँ पर गिम 2 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, स्टार्ट में जाइएगा। अगर नहीं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपका, ये जैसे कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास विंडोज 10 है, आपके पास कुछ और होगा, ऐसे इसको क्लिक करिए यहाँ पर, और फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, मैं इसको फिर से एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और लेट अस ट्राई टू स्टार्ट इट अगेन। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने गिम किया, गिम डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये, इस तरीके से गेम खुला, जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं वही चीज मैं यहां पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं आपको, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, तो इस तरीके से ओपन हो गया। फिर आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इस फाइल मेन्यू पे जाइए, न्यू ऑप्शन ये वाला चूज करिए, आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं अपने टेम्पलेट की, एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इस टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं साइज हाइट और विड्थ देने का, ये इस तरीके से आएगा। तो ये अलग अलग आपके पास टेम्पलेट है, ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद एक
एक ब्लैंक इमेज आपकी बन जाएगी। अब आप टूल यूज करेंगे ताकि आप अपनी अपनी खुद की ड्राइंग बनाएं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको खोलने के लिए आप क्या करेंगे, इस ओपन पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे, इस ओपन पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पाथ पे जाना पड़ेगा जहां पर है और उसको सिलेक्ट करके आप यहां पर ओपन कर देंगे। यहां प्रॉपर सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहां पर आपकी इमेज इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। फिर सेव करना आपको फाइल को, तो अगर कोई फाइल आपने कुछ इमेज एडिटिंग की है, कुछ उसमें चेंज किया है तो सेव कर सकते हैं या सेव एज, किसी और नाम से करना है तो सेव एज कर सकते हैं, उसी नाम वही फाइल है उसी पे सेव करना है तो सेव, सेव एज नया खुल जाएगा, नया नाम से सेव हो जाएगा। फिर आपको यहां पर सेव जैसे करेंगे ना तो आपको फाइल का नाम देना होगा और फिर वो सेव होगा। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई आपको। मैं काम करता हूं आपको कि पहले ये चीज बता देता हूं, फाइल यहां पर ओपन करेंगे, न्यू, यहां पर इसने साइज विड्थ दिया हुआ है, आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट अलग अलग है, आप जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ये साइज का चाहिए तो 1600 बाय 1200 हो गया, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया तो मेरी एक नई इमेज यहां पर क्रिएट हो गई। अब इसमें मैं कोई भी एडिटिंग कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ, कुछ चीज़ें लिखना चाहूँ, मैं ऐसे कुछ लिखना चाहूँ, कुछ ऐसे करना चाहूँ, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको आप चाहेंगे कि मैं सेव करूँ तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अभी मुझे पाथ पूछेगा, मैं इसे पाथ किसी पाथ पे सेव कर दूंगा। फिर मैं इसे सेव एज भी कर सकता हूँ उस किसी और नाम से, और इन सब जो मेरे पास ऑप्शन है इन सब में सेलेक्ट सेव कर सकता हूँ। ये हो गया। उसके बाद मैं कोई ओपन करना चाहता हूँ फाइल, ऑलरेडी है वो मेरे पास, तो जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी है मैं उस पाथ पे गया और रिसेंटली यूज में मैंने उठाया, लेकिन आप किसी भी पाथ पे जा सकते हैं, जैसे यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ बेबी डॉट जेपीजी, ये ओपन करूंगा तो ये डबल क्लिक करेंगे इसको तो यहाँ पर ये दूसरी फाइल जो आपकी बेबी डॉट जेपीजी वो आ जाए, क्योंकि ये वाली जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये गेम खुलता है तो यहाँ पर ये नए में इसको खोल देगा यहाँ पर। तो ये अभी बात यहीं तक रखते हैं गेम की, और भी आगे बात करेंगे। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की, और अगले डिस्कशन में हम और गेम के बारे में जानेंगे।